अस्सलाम वालेकुम एवरीवन आई एम डॉक्टर शाहजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन ये मुझे ईटा की एक बुक मिली थी जिसके अंदर शॉर्ट ट्रिक्स लिखे हुए थे हंड्रेड शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो हमारे पास ऑथर हैं मोहम्मद अब्दुल खान तो ये मुझे मिली थी और मुझे काफ़ी बेनिफिशियल लगी तो आई थॉट टू शेयर विद यू तो इसका मैं फर्स्ट पार्ट जो है वो पहले से शेयर कर चुकी हूँ अब ये इसकी सेकेंड वीडियो है लेट स्टार्ट विद द ट्वेंटी नाइन्थ हम अपने डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अगेन विद द ट्वेंटी नाइन्थ वाला जो हमारे पास ट्रिक है तो इसके अंदर हमारे पास जो निमोनिक है आपके पास वो है रो नवाज़ शरीफ तो ये हमारे पास आर से रिजोबियम है एन से नाइट्रोजन रिसाइकलिंग है और से हमारे पास सल्फर रिप्रोड्यूसिंग है अल्फा बीटा एंड गामा तो आपने इससे इसको याद रखना है थर्टी वाला जो हमारे पास रूल है दैट इज़ पैट तो पैट से आपने पैरामीशियम स्टार्ट uh, याद रखना है रिप्रोड्यूस एक्शुअली ए से हमारे पास ए सेक्शुअली है एंड हमारे पास टी से जो है वो ट्रांसवर्स फ्यूजन है तो ये पैट के निमोनिक से आपने याद रखना है थर्टी वन वाला देखें थर्टी वन वाला हमारे पास अब्दल वी सी है और अब्दल के ए से वी हैव द एंजस्पॉम कंटेन वी से वी हैव द वेसल्स एंड सी से वी हैव एंड कंपेनियन सेल्स तो सी ये है हमारे पास वी ये है और ए से ये है तो अब्दल वी सी से आपने इसको याद रखना है देन हमारे पास थर्टी टू वाला जो है वो डैड से आपने याद रखना है डी से वी हैव द डेफोडिल्स तो डेफोडिल्स जो है वो हमारे पास यूज़ होता है इन द एल्जाइमर्स डिजीज़ तो आपने इसको डैड से याद रखना है थर्टी पे जो हमारे पास है दैट इज सी एंड जी तो सी एंड गैस स्टैंड फोर से आपने इसको याद रखना है सी से वी हैव द केनाबिस एंड जी से वी हैव द ग्लूकोमा ए से वी हैव द ऑटो इम्यून डिजीज एंड एस से वी हैव द स्लीपिंग डिसऑर्डर्स तो कैनाबिस हमारे पास इन तीनों के लिए इस्तेमाल होता है तो आपने इसको याद रखना है देन वी हैव द थर्टी वाला ट्रिक जो है हमारे पास थर्टी में हमारे पास है सेप्रोफाइटिक डोमिनेंट प्लांट्स जो, प्लांट जो है उनको आपने याद रखना है फ्लोराइड गैस से एफ एल गैस से एफ से वी हैव द फोन्स एल से वी हैव द लाइकोपोडियम जी से वी हैव द दमनोसपम्प ए से वी हैव द एजियोसपम्प एंड एस से वी हैव द सेलेजिनेला तो आपने इन सबको फ्लोराइड गैस से याद रखना है थर्टी फाइफ वाला हमारे पास जो है ट्रिक वो ये है कि सब फाइलम आप लाइक ऑप्सिडा का किस तरह से याद रखेंगे तो लिप्स आर लिविंग जेनरा से आपने याद रखना है तो लिप्स से आपने याद रखना है एल से वी हैव हाँ द लाइकोपोडियम आई से वी हैव हाँ द आइजोसाइड्स पी से वी हैव हाँ द दाइलोजलॉसम फा, एंड एस से वी हैव हाँ द सेलेजिनाला तो आपने इनको इससे याद रखना है थर्टी सिक्स वाला जो हमारे पास ट्रिक है वो ये है फैसल यानी एफ एस एल फैसल से फॉसल होता है तो फॉसल लाइक ऑप्सिडा के जो होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं उनको आपने याद रखना है एस और एल से एस से हमारे पास है सेलेजिलैरिया एंड हमारे पास एल से है लेपिडोडेंडरॉन तो आपने इससे इसको याद रखना है थर्टी सेवन्थ वाला जो हमारे पास रूल है वो ये है कि टाइगर टी जी तो टी से हमारे पास टेस्ट रिसेप्टर्स हैं और उनको हम गस्टेशन भी कहते हैं तो टेस्ट रिसेप्टर को गस्टेशन कहते हैं तो टी जी टाइगर से आपने इसको याद रखना है डाइवर्सिटी अमंग द प्लांट्स जो हैं उसको आपने लाम से याद रखना है थर्टी एट वाला हमारे पास डिवर्सिटी मांग द प्लांट्स है उसको आपने लाम से याद रखना है ए एल से हमारे पास लीवर वर्ड्स है ए से हमारे पास एल जी है एंड एम से मोसिस है तो आपने इसको लाम से याद रखना है थर्टी नाइन्थ वाला जो हमारे पास ट्रिक है वो हमारे पास डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स में से ही है पीटीसीएल से आपने याद रखना है पाकिस्तान टेली कम्यूनिकेशन लिमिटेड तो डाय जो एम्ब्रॉय होते हैं उसका ये है निमोनिक तो हमारे पास निमोनिक है पी टी सी एल तो स्टैंडसफल है हमारे पास प्लीम्यूल इज़ टर्मिनल पी और टी हमारे पास आ गया एंड देन कॉटीलेडन इज लेटरल तो हमारे पास पी टी सी एल से है प्लेम्यूल टर्मिनल कॉर्टिलेडन लेटरल तो आपने ये याद रखना है फोर्टीथ वाला देखें फोर्टीथ में हमारे पास डॉक्टर को से आपने याद रखना है इन डाइकॉर्टिलेडन जाइलम टिश्यूज़ आर अरेंजड इन रिंग तो हमारे पास डी और आर हो गया है डी और आर हो गया है डाकॉर्टिलेडन और रिंग हो गया देन हमारे पास को से सी से कोलेट्रल कौ, है एंड ओ से हमारे पास ओपन है तो आपने इस निमोनिक से इसको याद रखना है देन हमारे पास फोर्टी वन वाला जो है वो हमारे पास है कि मोटर से आपने याद रखना है एम और टी से तो मोनोकोट्स हैव द ट्रायमेरस फ्लावर्स तो ये आपने याद रखना है कि मोनोकोट्स और ट्रायमेरस देन फोर्टी टू वाला देखें फेसबुक डी पी है तो डी पी से आपने याद रखना है डी से हमारे पास डाइकोड्स है और हैव पेंटामेरस फ्लावर्स तो डी पी से आपने याद रखना है इसको फोर्टी थ्री वाला देखें हमारे पास रेड से आपने याद रखना है विनेशन इन डाकॉड्स किस तरह से याद करते हैं तो रेड से याद करना है रेड से हमारे पास रेटिक्यूलेट है आर से और विनेशन इन डायकॉर्ड्स ठीक है रेटिक्युलेट है डायकॉड्स में रेड से याद रखना है देन विनेशन इन हमारे पास मोनोकोड्स किस तरह से है तो इसको हमने पी एम से याद रखना है पी से हमारे पास पैरल आता है और एम से मोनोकोड्स आता है रेड से डाइकॉड्स से रेटिक्यूलेट और पी एम से पैरल मोनोकोड्स में हमारे पास 45 वाला जो है डिवर्सिटी अमंग प्लांट्स में से लिया गया है फेल पास टेस्ट से आप इसको याद कर सकते हैं फेल होता है या पास होता है और टेस्ट हमारे पास होता है तो आप एफ पी टी से याद करेंगे फोन्स हमारे पास फ़ेल से है फ्लरिश इन परमियन परमिन एंड ट्राई एसिक पीरियड्स तो आपने इसको एफ पी और टी से याद रखना है फोर्टी सिक्सथ वाला देखें हमारे पास सर्कुलेशन का है रेड से आपने याद रखना है कि रिलैक्सेशन जो है वो डायासटॉल में होती है तो रेड से ये याद रखना है देन आपने सर्कुलेशन में सी एस से याद रखना है कंप्यूटर साइंस होता है तो उसे आपने याद रखना है कि कॉन्ट्रैक्शन जो है वो सिस्टोल के अंदर होती है फोटी एट वाला निमोनिक देखें हमारे पास जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स है उसको किस तरह से याद करना है तो पी टी सी पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन से आप याद कर सकते है। Foto, and chemo हैं फोटो थर्मो एंड कीमो जो है वो हमारे पास ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं देन हमारे पास जो ग्रोथ हार्मोन से मूवमेंट होती हैं उसको जियो और हाइड्रो से आपने याद रखना है जियो और हाइड्रो मूवमेंट्स जो हैं वो हमारे पास ग्रोथ हारमोन से हैं जी एच से आपने इसको याद रखना है देन हमारे पास फोर्टी नाइन्थ वाला ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स है हेन से आपने याद रखना है हाइपोनेस्टी है एपीनास्टी है एंड न्यूटेशन जो है ये हमारे पास ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स है तो ये आपने याद रखना है फिफ्टियथ वाला देखें हमारे पास सीमा एक गर्ल का नेम है उससे आपने याद रखना है सी से हमारे पास सिलेंट्रेट्स है ई e से हमारे पास अकाइनोडर्म्स है एंड डी से हमारे पास जो है वो ड्यूट्रोस्टोम्स हैं तो ये आपने याद रखना है माँ से आपने याद रखना है मोलक्स है एनालिड्स है आर्थ्रोपोडा है एंड पी से हमारे पास प्रोटो हैं आर प्रोटोस्टोम ठीक है तो ये आपने याद रखना है और जो हमारे पास हैं काइनोडर्म्स हैं वो हमारे पास हैं तो ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है फिफ्टी वन वाला देखें हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल कंटेन थर्टी वन चीफ मिनिस्टर्स तो हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल से आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन और थर्टी फोर से हमारे पास आ जाता है कि ये थ्री टू फोर सेंटीमीटर लॉन्ग है तो बाूकात हमें पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या था तो आपने अगर निमोनिक से याद किया होगा तो आपको कभी नहीं भूलेगा पेपर में नमूनिया कॉजिंग बैक्टीरिया को आपने याद करना है हाई से हीमोफिलस इन्फ्लुन्जा है एंड स्टैल्पर से आपने स्टेफाइलोकोकस और होता है तो ये आपने याद रखना है सिक्सटी थ्री वाला देखें कॉपर फाउंड इन अयूब मेडिकल कॉलेज कौल, केयर सेंटर तो एशिया माइनर होता है इजिप्ट में है चाइना में है साइप्रस में है और सीट में है या क्रीट में है तो आपने ये याद रखना है ये नेम्स बात एम सी क्यूज में आ जाते हैं कॉपर के ओर्स को आपने किस तरह से याद रखना है अजर माला कॉपर प्योर चॉकलेट रावड़ो तो इससे आपने इसको याद रखना है एजुराइट है मैलाचाइट है कॉपर पायरेट है एंड हमारे पास चालको चाइट है तो इसको हम मैक से भी याद कर सकते हैं एम ए सी सी तो आप इससे भी इसके ओर्स को याद कर सकते हैं हमारे पास सिक्सटी फाइव वाला देखें एफ़ एस सी स्टैंड फॉर तो एफ़ से हमारे पास आयरन है और एस से हमारे पास स्टील है एंड सी से हमारे पास कार्बन है तो जो स्टील होता है उसके अंदर हमारे पास आयरन भी है और उसके अंदर हमारे पास कार्बन भी है तो स्टील कंटेन्ज आयरन एंड कार्बन तो इससे आपको याद रहेगा कि स्टील के अंदर आयरन और कार्बन दोनों होते हैं एफ एस सी से सिक्सटी सिक्स वाला हमारे पास निमोनिक देखें क्रोम आयरन स्टोर आर फाउंड इन आर आर टी टी आई पी से आपने याद रखना है इसको रोहडेशिया है हमारे पास रशिया है ट्रांसव ट्रांस वल है हमारे पास टर्की है इंडिया है एंड पाकिस्तान है तो आपने इससे इसको याद रखना है सिक्सटी सेवन वाला देखें कि हमारे पास कलर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस या उनके जो हमारे पास नंबर हैं वो किस तरह से याद रखने हैं तो आपने इसको याद रखना है कज़न सच थी तो कज़न के सी से सी यू हमारे पास जो सी यू है कज़न में वो कॉपर है जेड एन जो है जिंक है देन एस सी है हमारे पास और टी आई है तो इनके जो कज़न सच थी प्लस वन है प्लस टू है प्लस थ्री एंड प्लस फोर है इनकी जो कॉमनली ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो आपने इसको याद रखना है सिक्सटी एट वाला देखें हमारे पास क्या है कि क्रोम आयरन स्टोर इज़ तो फिर कर फिर वो करो से तो आपने इसको याद रखना है और फिर के एफ़ ई ओ है ओ फिर वो ओ आ जाएगा एफ ई ओ और करो से सी आर ओ तो करो फिर वो करो और प्लस ट्वेंटी थ्री है तो आपने क्रोमियम का टू लगाना है और ओ का थ्री लगाना है तो इस तरह से आपने इसके फॉर्मूला को याद रखना है देन हमारे पास आ जाता है सिक्सटी नाइन वाला कैटलिस्ट को आपने याद करना है इसका निमोनिक है पता नहीं फिर आ, करो वो तो पी टी है एन आई है एफ ई है सी आर है एंड वी ओ है तो आपने इसको याद रखना है वी टू ओ फाइव होता है तो आपने ये याद रखना है देन हमारे पास सेवेंटी है जिसके अंदर है फिर साइंस वाटर तो फिर साइंस वाटर से आपको ये फॉर्मूला याद होगा एफ़ ई एस सी uh, एन uh, और फिर आपने वाटर का फॉर्मूला लगा देना है देन हमारे पास सेवेंटी वन वाला है सेवेंटी वन के अंदर है कि ब्रास कंटेन कज़न तो ब्रास के अंदर कज़न होते हैं कज़न से सी यू से हमारे पास कॉपर है और जेड एन से हमारे पास जिंक है तो ब्रास कंटेन कॉपर एंड जिंक जैसा कि हमारे पास स्टील के अंदर जो था एफ एस सी था एफ से हमारे पास आयरन था एंड सी से कार्बन था और एस से हमारे पास स्टील आ रहा था तो आपने स्टील में याद रखना है एफ एस सी और ब्रास में आपने याद रखना है कज़न सेवेंटी टू वाला जो हमारे पास निमोनिक है वो है ऑल्सो कलर ए एल और एस ओ सी एल एल से हमारे पास अल्कोहल है और एस ओ सी एल टू है तो उस वो आगे हमारे पास अल्काइल हेलाइड बनाते हैं जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो एल्कोहल और थीनाइल क्लोराइड जो है जब रिएक्ट करते हैं आपस में तो अल्काइल हेलाइड बनता है प्रोडक्ट के अंदर तो ये आपने याद रखना है कि ऑल्सो कलर सिक्सटी थ्री वाले सेवेंटी थ्री वाले पे बात करते हैं पतला स्टैंड फोर से पी से हमारे पास प्रियोडिक है और ए से हमारे पास एसिड है यानी प्रियोडिक में एसिड है देन एल से हमारे पास लेड है टी से टेट्रा है एंड ए से एसिटेट है एंड लेड टेट्रा एसीटेट प्रियोडिक एसिड एंड टे, लेड टेट्रा एसिटेट तो आपने इसको इस तरह से याद रखना है देन कोल्टार हमारे पास क्या कंटेन करता है उसकी कंपोजिशन हमारे पास फेस है फेस टू डी कार पीपीपी से आपने इसको याद रखना है फेस से हमारे पास फैट्स है एक्सप्लोसिव्स हैं एंड सोप्स है देन टू डी कार से हमारे पास दो डी हैं तो एक डाइज है और एक ड्रग्स हैं देन पीपीपी से हमारे पास पाकिस्तान पीपल पार्टी से हमारे पास तीन पी हैं तो एक प्लास्टिक है एक परफ्यूम है और एक पेस्टिसाइड्स है तो आपने इसको इस तरह से याद रखने हैं देन हम सेवेंटी फाइव वाले पे आते हैं गोल्ड के यूजेस के हैं तो जेड से आपने याद रखने हैं जे से वी हैव द ज्वेलरी ई e से वी हैव द इलेक्ट्रिकल डिवाइस टी से वी हैव द टूथफिलिंग एंड एस से वी हैव द स्टैचूज सेवेंटी सिक्स वाला हमारे पास है माइंस लास्ट पेज वाले तो उसको आपने याद करना है पाकिस्तान असिस्टेंट कमिश्नर नासा से पी ए से वी हैव द प्राइमरी अमाइन उसको ए सी से हम मिलाएंगे एसिड क्लोराइड से और प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी एन सब्सटीट्यूटेड अमाइड्स तो आपने याद रखना है सेवेंटी सेवन देखें ट्रोपोस्फेयर की कंपोजिशन क्या है तो नो काव से आपने इसको याद रखना है एन से वी हैव द एन टू ओ से वी है ओ टू एंड सी ओ से वी हैव दी ओ टू एंड डब्ल्यू से वी हैव द वाटर तो आपने इसको याद रखना है ये इंपॉर्टेंट है देन सेवेंटी एट वाला देखें कि मैगनीज आर फाउंड इन गुस्सा गुस्सा में फाउंड होते हैं जी से वी हैव द जॉर्जिया यू से साउथ अफ्रीका जी आर प्लस प्रोडक्ट हमारे पास सी ए बनेगी तो so, हम देखें ग्रिग नारी एजेंट जी आर से आता है सी ओ से वही सीओ टू एंड देन प्रोडक्ट जो हमारे पास बनेगी वो सी ए बनेगीबोक्सिलिक एसिड बनेगी एट्टी वाला देखें हमारे पास जो है वो है अलिफ एलिफ़ खान गर्ल और एल है आगे प्रोडक्ट में तो एलिफ ए एफ़ है जी आर है एंड एल है ई e, एफ से वी हैव हाँ द एथाइल फॉर्मेट जी आर से वी हैव हाँ द ग्रिग नार्ड री एजेंट एंड प्रोडक्ट में हमारे पास एल बनता है एट्टी वन वाला देखें ईगल की अम्मी ईगल की अम्मी के से निमोनिक से आपने याद रखना है ई e ए है के है एंड देन हमारे पास अम्मी बन रहा है आई एम आई देन आपने ई e ए से अथाइल अमाइन याद रखना है के से हमारे पास की टोन है एंड अ प्रोडक्ट में हमारे पास आई वाला अमाइन बनता है तो आपने याद रखना है एट्टी टू वाला देखें पिशावर से आपने याद रखना पी एस और डब्ल्यू से फास्फोरस एंड सल्फ़र डोंट रिएक्ट विद वाटर तो आपने इसको याद रखना है पी एस डब्ल्यू से यानी फास्फोरस और सल्फ़र जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते एट्टी थ्री वाला देखें हमारे पास है पेशावर पख्तूनख्वा के लोग सादा हैं इससे आपने याद रखना है पेशावर से वी हैव हाँ द पी एच देन हमारे पास पख्तूनख्वा से वी हैव हाँ द पी के ए लोग से वी हैव हाँ द एल ओ जी लॉग देन सादा से वी हैव हाँ सॉल्ट ओवर एसिड तो आपने फॉमूला याद रखना है पिशावर से पी एच इज़ इक्वल टू का पी के ए देन आपने प्लस करना है लॉग को लोग सादा एस सॉल्ट ऊपर है और हमारे पास एसिड नीचे है तो आपने इस फॉमूला को पिशावर के का के लोग सादा हैं से याद रखना है एट्टी फोर वाला आपने देखना है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हमारे पास कौन से होते हैं तो सबसे पहले वी सी है वी से वी हैव द वायलेट एंड येलो देन बाय है हमारे पास ब्लू और येलो है देन जी पी है तो हमारे पास ग्रीन एंड पर्पल है तो आपने याद रखना है वी सी बाय जी पी से देन हमारे पास 85 वाला देखें लिपिड्स आर इन बिकॉज़ बिकॉज़ से आपने बेंजीन याद रखना है ई e से हमारे पास ईथर है एंड सी से हमारे पास क्लोरोफॉम है तो ये या आपने याद रखना है देन 86 वाला देखें 86 वाला वन पासकल इज इक्वल टू तो दस तेरह पच्चीस दस तेरह पच्चीस से आपने इसको वन थ्री टू फाइव दस तेरह पच्चीस वन पासकल इज इक्वल टू देन एट्टी सेवन वाला देखें नासा से आपने याद रखना है एन से वी हैव द नाइट्रिक एसिड एंड एस से वी हैव द सल्फ्यूरिक एसिड एटी एट वाला देखें हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ नेहा से हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है नेहा से हमारे पास एन से आता है नाइट्राइल ए एच से हमारे पास एसिड हलाइड आता है एंड हमारे पास ए से अमाइड आता है यानी इन सब की हाइड्रोलिसिस से हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनना है अब हमारे पास कुछ फिजिक्स का uh, निमोनिक्स है वो देख लेते हैं एटी नाइन वाला देखें फेरो मैग्नेटिक सब्सटांसिस को आपने नाइस से याद रखना है एन से वी हैव हाँ द निकल आई से वी हैव द आयरन एंड सी से वी हैव द देन नाइन्टी से आपने डाई मैग्नेटिक सब्सटांसिस को याद करना है वी हैव द निमोनिक कजन भाई से तो सी से वी हैव हाँ द कॉपर जेड एन से वी हैव हाँ द जिंक एंड भाई से वी हैव हाँ द बिस्मिथ से आपने हाँ इसको याद रखना है देन हमारे पास आता है नाइन्टी वन वाला नाइन्टी वन वाले में आपने सिंपल पेंडुलम की मीन पोजिशन पे क्या होता है वो आपने याद रखना है पर्दा जो होता है वो हमारे पास जीरो होता है मीन पोजीशन तो पर्दा में क्या आता है पी से हमारे पास आती है पोटेंशियल एनर्जी आर से हमारे पास आती है री फोर्स देन डी से हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट एंड ए से हमारे पास आता है एक्सेलरेशन तो ये चारों जो चीज़ें हैं वो हमारे पास मेन पोजिशन पर जीरो होती हैं 92 वाला देखें हमारे पास क्या है गलवानोमीटर का फॉर्मूला है चीफ ऑफिसर ऑफ नैब से इसको याद रखना है सी ओ चीफ़ ऑफिसर है और ओवर हमारे पास नैब है तो इसके फॉर्मूला को आपने इस तरह से याद रखना है नाइन्टी वाला देखें स्ट्रेन एनर्जी जो है वो हमारे पास हाफ फीस होती है यानी आयरन की हाफ़ होती है देन आपने 94 वाला देखना है आर्टिफिशियल ग्रेविटी को किस तरह याद करना है चार पाई पर तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी जी इज़ इक्वल टू फोर पाई एफ आर का फॉर्मूला है देन हमारे पास 95 वाला है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो प्लस स्टैंडस फ़ोर से आपने इसको याद रखना है प्लस से वी हैव द पोजिशन एक्यूरेसी यूज लाइट तो प्लस ये हो गया देन हमारे पास स्टैंडस फोर से है शॉर्ट वेवलेंथ तो आपने शॉर्ट वेवलेंथ होती है इससे इसको याद रखना है नाइन्टी सिक्स वाला देखें हमारे पास कन्वर्जन ऑफ कलवानोमीटर इन टू वोल्ट मीटर के अंदर हमारे पास निमोनिक है वेरी रिजट इग्नोर तो V ओवर आई जी माइनस आर जी से आपने इसको याद रखना है देन हमारे पास आ जाता है नाइन्टी सेवन वाला तो उसको आपने सिविल स्टैंड फॉर से याद रखना है इन कैपेसिटर करंट लीड वोल्टेज तो सिविल एस आई वी आ जाएगा और वी आई एल वोल्टेज लेड करंट इंड In इंडक्टर तो आपने इससे इसको याद रखना है देन 98 एट वाला देखें हमारे पास शेयर मॉड्यूलस है फ्रेंड्स आओ तो शेर मॉड्यस का फार्मूला है f ओवर a और थीटा से आपने इसको याद रखना है 99 वाला निमोनिक है हमारे पास c स्टैंड फॉर और c से s से वी हैव द सीरीज और e e से वी हैव द एंड टू एंड तो सीरीज एंड टू एंड होता है देन 100 वाला देखें हमारे पास क्वार्क्स जो होते हैं पॉजिटिव वाले तो वो हमारे पास टक से होते हैं यानी टॉप अप और चाम्ड और जो हमारे पास नेगेटिव वाले होते हैं वो होते हैं बी से यानी बॉटम डाउन एंड स्ट्रेंज तो आपने इसको याद रखना है दीज आर ऑल निमोनिक जो मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया कि आपके लिए हेल्पफुल होगा तो जरूर देखें ये सिर्फ ईटा वालों के लिए नहीं है बल्कि पंजाब वाले सिंध वाले हर कोई देख सकते हैं दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड थैंक यू सो मच